शियार का बैटलशिप हाला के ऊपर, जहाँ पर कुछ प्लानिंग चल रही थी, जहाँ पर कैरल कहती है, कैप्टन तुम्हें लगता है कि ये काम करेगा? तब कैप्टन का जवाब था, हमारे पास सिर्फ यही मौका है कैरल, इसका मतलब ये है कि या तो हम बिल्डर की फ्लीट को असेंबल होने से पहले रोक ले, या फिर अपनी आंखें बंद करके सिर्फ ये समझ ले कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी कैरल उससे कुछ बात करती है कि तभी वहां पर मैजिस्टर आते हुए कहते हैं, कैप्टन काम हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं हाला में, जहाँ पर बिल्डर कुछ कलीग से बात कर रहा था, जहाँ पर वो उससे कहते हैं कि उनके डिप्लोमेट के साथ बात करते हुए अपने टर्म्स प्रॉपरली उन्हें बताओ और उन्हें इस सब को खत्म करने के लिए मजबूर करो और अपने शर्तें मनवा कर उन्हें खत्म करने की तैयारी करो। तब वो कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा, और वो अपनी कॉम लिंक बंद कर देता है। यहाँ पर रोनन की तरफ देखते हुए वो कहता है, तुमने उन सब लोगों को बुला लिया रोनन जिसके बारे में मैंने कहा था? तब रोनन कहता है, हाँ सारे अक्यूजर्स यहाँ पर है, सबके सब। तब वो उनके आगे जाते हुए कहता है, तो बुलाओ उस डिप्लोमेट को और बताओ कि उसे मेरे आगे आकर झुकना होगा, और यहाँ पर हाला और पूरा यूनिवर्स देखेगा, गवाह बनेगा इस बात का, और क्री एम्पायर का ये सबसे अच्छा दिन होने वाला है। बदलाव हिडन सिटी ऑफ ओरोलान, जहाँ पर थानोस का बेटा यानी कि थाने अपने ह्यूमन फॉर्म में अभी भी कैद था, और वो एक हीलर था, वो जो थानोस का बेटा था, और उसके पिता उसे मारने के लिए टार्स को पार करके गैलेक्सीज को चूर करके वहाँ पर आए थे अर्थ पर उसे ढूंढते हुए। न्यूयॉर्क, जहाँ पर एटिलैंड टूटकर बिखर चुका है, और उसी के मलबे से निकलता है थानोस, और वो कहता है कि हुआ क्या, आखिर ये सब हुआ क्या? और वो आसमान में देखता है कि टेरिजिन बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका था, क्योंकि ब्लैक बोल्ट की वॉइस ने उसे एक्टिवेट कर दिया था। वो बॉम्ब एक डिलीवरी सिस्टम था टेरिजेनेसिस का, उसके कैटेलिस्ट चेंज थे, क्योंकि मैकेनिज्म किया था मैक्सिमस द मैड ने, और बॉम्ब ने साउंड को लाइट में कन्वर्ट कर दिया था और टेरिजिन को मैप कर दिया था नाइट्रोजन में। इस वजह से एक ग्लोबल टेरिजेनेसिस शुरू हो चुकी थी, और टेरिजेनेसिस एक्सपांड होने के साथ ही इनह्यूमन डीएनए जिनमें एग्जिस्ट करते थे उनके जेनेटिक कोड बदलने में शुरुआत हो चुकी थी, और उनके बर्थ राइट अब उन्हें मिलने वाले थे। कुछ अपने ककून में स्लोली स्लोली चेंज हो रहे थे, कुछ बहुत तेजी से चेंज हुए, लेकिन ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई। और उस मलबे से ब्लैक बोल्ट भी बाहर निकलता है, और उसे देखते ही थानोस कहता है कि अच्छा है कि तुम अभी भी मरे नहीं, क्योंकि तुम मेरे हाथों मरोगे, मेरे हाथों पर तुम्हारा खून लगा होगा। और इतना देखते ही ब्लैक बोल्ट उसकी तरफ अपनी फुल पावर से चिल्लाता है। लेकिन थानोस इस बार रेडी था उसके हर एक अटैक के लिए, और वो एक पंच मारता है ब्लैक बोल्ट को और कहता है, तो मेरा बेटा कहाँ पर है ब्लैक बोल्ट, बताओ मेरा सन कहाँ पर है? और वो उसे पकड़ कर उससे आगे कुछ पूछता, तभी अपनी फुल पावर के साथ वो उस पर फिर से अटैक करता है। और दूसरी तरफ टेरिजेनेसिस हिडन सिटी ऑफ ओरोलान तक पहुंच चुकी थी, और अब इनह्यूमन टेरिजेनेसिस रिवील होने के लिए तैयार थी, और कुछ ऐसे सच बाहर आने वाले थे जो कि अब तक किसी को पता नहीं थे। थाने हमेशा से डरता था कि वो क्या है, उसके अंदर जो ताकत बसी हुई थी वो उससे हमेशा घबराता था, लेकिन अब उसे घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो नहीं बल्कि बाकी दुनिया घबराने वाली थी। और जैसे ही टेरिजेनेसिस उसे टच करता है, वैसे ही वो फटाक से बदल जाता है अपने फुल फॉर्म में, और अब पूरी दुनिया मातम मनाने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो अपने पिता का बेटा बन चुका था, और अब सभी डाउट्स क्लियर होने वाले थे। यहाँ पर ब्लैक बोल्ट का मुंह पकड़ते हुए थानोस कहता है, लगता है तुम मुझे अपने सीक्रेट्स नहीं बताने वाले, तो तुम अपने सीक्रेट्स अपने साथ ही ले जाओ अपनी कब्र तक, और वो उसे पकड़ कर वहीं पर पटकना शुरू कर देता है। एक बार पटकने के बाद ब्लैक बोल्ट वहीं पर बेहोश हो जाता है, और यहाँ पर थानोस अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल चुका था। थानोस का बेटा यानी कि थेन अपने पूरे फॉर्म में था, और वो जैसे ही अपने पूरे फॉर्म को पा लेता है, वैसे ही वो पूरी जगह को जला देता है। थानोस यहाँ पर आया था अपने बेटे को मारने के लिए, जैसे कि उसने अपने सारे बेटों के साथ किया था, उसने गैलेक्सीज तक को नहीं छोड़ा। थानोस ने अपनी पूरी जिंदगी डेथ को पाने में बिता दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ एक छलावा था। प्रेयर हाला, जहाँ पर वॉरलॉर्ड कहता है कि हमारी सारी होप एक अकेले पर्सन पर टिकी हुई है, और हमारा फ्यूचर सरेंडर पर डिपेंड करता है, तो क्या यहाँ पर आना सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी? तब मजिस्टर बताता है कि ये किसी के लिए भी प्राइड मूवमेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कब हम सरेंडर कर सकते हैं और कब हम लड़ सकते हैं। हमारा स्ट्रांग पॉइंट अब खत्म हो चुका है, और एक अच्छा कैप्टन हमेशा ये बात जानता है। तभी शटल लैंड होता है हाला पर, बिल्डर्स के आगे और रोनन के सामने। यहाँ पर कैप्टन से पूछा जाता है
कि जो हमने बार्गेनिंग के लिए भेजा है कैप्टन, क्या वो सही पर्सन है? तब कैप्टन कहते हैं, इसके बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है। हम देखते हैं थॉर को उस शटल में से बाहर आते हुए, जिस पर वो भरोसा कर सकते थे। कैप्टन आगे कहते हैं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट नेगोशिएटर भेजा है वहां पर। और जैसे ही थॉर नीचे आता है, तब रोनन उसे कहता है, अपने हथियार को नीचे रखो मेरे दोस्त, क्योंकि बिल्डर्स ने तुम्हें लड़ते हुए देखा है और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो। तब थॉर अपने म्योलनिर को अपने पास लेते हुए कहता है, हमें सुनिए पिताजी, अगर हम इस लायक है तो हमें आपकी मदद मिलेगी, और आज हमारे हाथों को नहीं, हमारे दिल को देखिए। और वो उसे अपने से दूर फेंकता है। म्योलनिर धीरे धीरे करके हालात से दूर जा रहा था, और थॉर से भी। तब थॉर कहता है, जैसे कि तय हुआ था, हम बिना हथियार के बात करें। इस पर बिल्डर बताता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बार्गेनिंग के लिए आए हो, यहाँ पर कोई बार्गेन नहीं होगी, तुम समझ रहे हो, क्योंकि तुम अब तक बचे रहे, इस वजह से तुम्हें लगता है कि तुम उन सबको बचा लोगे, तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? तब थॉर कहता है, इस बारे में आप गलत नहीं, हम यहाँ पर सब खत्म करने आए, लेकिन हमें आपसे वचन चाहिए। तो बिल्डर आगे कहता है, हाँ अच्छा हुआ कि तुमने पूछ लिया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड्स नहीं चलने वाली। और रही बात वचन की, तो मेरे पास आओ। और जैसे ही थॉर उसके पास जाता है, तब उसे थप्पड़ मारते हुए वो कहता है, ये रहा तुम्हारा वचन। बिल्डर आगे कहता है, तुम लोग सरेंडर करोगे या मरोगे, तुम नीचे झुकोगे अपने घुटनों पर, और उन सब के लिए तुम भीख मांगोगे, जो भी तुम्हारे वॉरियर्स के पास है वो अब सब खत्म होगा। तुम अगर सरेंडर करोगे तो तुम बचोगे, इस वजह से अपने घुटनों पर आओ। यहाँ पर थॉर चुप था, क्योंकि उसे पता था कि ये मौका नहीं है अपने हथियार को वापस बुलाने का, ये मौका नहीं है कि वो फाइट कर सके, क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है। यहाँ पर गैलेक्टिक काउंसिल ये सब देख रही थी, जेसन ये सब देख रहा था, और पूरा क्री एम्पायर हाला पर ये सब देख रहा था। लेकिन थॉर जानता था कि उसे क्या कब करना है, और अभी उसके पास मौका नहीं था ये सब करने का। थॉर चुपचाप अपने घुटनों पर आता है। तब बिल्डर कहता है, ये अच्छा है, और वैसे भी ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है, तुम कीड़े मकोड़े हो और तुम हमारे पैरों में ही एग्जिस्ट करते हो। तुमने अब तक कई जाने बचाई होगी यहाँ आने से पहले, लेकिन तुम अर्थ को नहीं बचा पाओगे, तुम अपनी दुनिया को कभी नहीं बचा सकते। हम तुम्हारी दुनिया को एटम्स में बिखेर देंगे, थाउजेंड सन की पावर के साथ हम उस दुनिया को जला देंगे। और तुम जानते हो क्या कि इंसानियत एक संक्रमण है, सिर्फ इस गैलेक्सी के लिए नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स के लिए। ये एक कमजोरी है एग्जिस्टेंस में पूरे यूनिवर्स के लिए, और हम इसे ही इस दुनिया से मिटा देंगे। तब हम देखते हैं थॉर के म्योलनिर को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाकर वापस आते हुए। यहाँ पर मैजिस्टर को रिपोर्ट मिलती है कि कुछ उनकी तरफ आ रहा है, जिस पर वो कहता है वो क्या है। तब कैप्टन कहते हैं, ये हिसाब है उनके कर्मों का। और थॉर का म्योलनिर बैटलशिप के पास से गुजरता है। यहाँ पर बिल्डर कहता है कि विक्ट्री तुम्हें नहीं मिलने वाली, और तुम्हारे लोगों के साथ मरोगे। तुम्हें क्या लगा था कि ये किसी और तरीके से खत्म होगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ह्यूमैनिटी यहीं पर खत्म होगी, और तुम्हारी दुनिया की कहानी भी। तुम ह्यूमंस अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ, और तुम ह्यूमंस कुछ भी नहीं कर सकते। तब थॉर कहता है, और क्या हो अगर हम सिर्फ इंसान न हुए तो? और तभी बिल्डर देखता है म्योलनिर को उसकी तरफ आते हुए, और एक झटके में म्योलनिर बिल्डर को चीरते हुए थॉर के हाथों में आ जाता है। ये देखते ही कैप्टन कहते हैं, वो टूट चुके हैं, इसका मतलब हम उन्हें मार सकते हैं। और नीचे गिरते हुए बिल्डर कहता है, तुम समझ नहीं रहे, इसका मतलब है कि तुम सब लोग मरोगे। थॉर उस पर गुस्से से वार करते हुए कहता है, लेकिन शुरुआत तुमसे होगी। रोनन, क्या तुम सब माचा दो? और रोनन जवाब देता है, हाँ। तो बुलाओ उन्हें, क्योंकि एक लड़ाई उनकी राह देख रही है। और अपने अक्यूजर्स को पुकारते हुए वो कहता है, अक्यूजर्स, क्या तुम मेरे साथ हो? तब सारे अक्यूजर्स अपने हथियार को ऊपर उठाते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मजिस्टर कहता है, देखा, बिल्डर गिर चुके हैं और हालात फिर से फ्री हो चुका है, हमने सक्सेस हासिल कर लिया एवेंजर्स, अब आगे क्या? तब कैप्टन कहते हैं, अब हम जीतेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपके पास और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हो तो मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।